कर्नाटक में आज से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हैं वो आयोजित करवाए जाएंगे। आज और कल यानी कि 30 और 31 जुलाई को होने वाले इस एंट्रेंस टेस्ट में करीब 2 लाख विद्यार्थी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। कर्नाटक सरकार ने टेस्ट कराने के लिए 497 सेंटर्स बनाए हैं जहां पर ये सारे स्टूडेंट्स पहुंचेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। हालांकि यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे, अलग कमरों में उन्हें बिठाया जाएगा। और सरकार का दावा है कि एंट्रेंस टेस्ट के बीच हर तरह की सावधानी बरती जाएगी। तो कर्नाटक में आज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। यहां पर नेहा मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। नेहा, कर्नाटक में कोरोना के मामले एक तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, किस तरह की तैयारियां यहां पर प्रशासन ने की है कि जो कोरोना है वो ना फैले, क्योंकि यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव हैं। जी अनुया, अभी हमको ये जानकारी आ रही है कि 10:30 को जो एग्ज़ाम स्लेटेड है अभी उसके लिए सारे प्रिपरेशंस करंटली अंडरवे है। और हमको ये भी जानकारी आ रही है कि सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लासरूम्स में बिठाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनुया, आगे ही यहाँ पे अभी इंस्पेक्शन भी चल रहा है हायर एजुकेशन मिनिस्टर के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा दूर दूर बिठाया गया है ताकि कोई भी रिस्क ना ले। और जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स सब कंपलसरी किए गए हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट यही नहीं, सारे स्टूडेंट्स को आप जैसे कि देख सकते हैं उनको बिठाया गया है यहाँ पे। और अभी थोड़ी ही देर में एग्ज़ाम भी चालू हो जाएगा। और इनफैक्ट हमको ये भी अभी जानकारी आ रही है अनुया कि करेंटली बेंगलुरु में 40,000 स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज एग्ज़ाम ले रहे हैं। और पूरे कर्नाटक में ऑलमोस्ट 1.9 लाख स्टूडेंट्स बेंगलुरु में अलोन इनफैक्ट 40,000 स्टूडेंट्स के आसपास ले रहे हैं। हमें अभी हम जैसे कि जाके बात करेंगे कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इनफैक्ट हायर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ 2 मिनट हम चर्चा भी करेंगे। सर, इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस यू नो दैट हैव ऑफ कोर्स बीन करंटली मेड यू नो फॉर ऑफ कोर्स द सीईटी एग्जाम्स, इवन डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एप्रिहेंशन यू नो फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। सो इज द गवर्नमेंट रेडी? आर यू श्योर दैट यू नो दैट इट्स गोइंग टू गो ऑन स्मूथली? डेफिनेटली इन द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19 देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन एंड लाइफ हैज टू गो ऑन। वायरस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, सो वी कांट afford to lose out the time. Keeping in the interest of the student welfare and the requirement, it's a continuous process. Since the life is going on, the opening of all economy, all the work is happening, people are going for work and doing their things, discharging their duties. Similarly, in academically also, we need to ensure, since already we have postponed once, we can't go on postponing. In the interest of the student, we took this measure and we have taken all the precaution and we are addressing all their concerns and everything is in place. Okay. Everybody is safe, secure, and it is very conducive for conduction of the exam. Thank you, sir. Thank you. इनफैक्ट अनुया, जैसे कि हाँ आपने बिल्कुल सुना, अभी कर्नाटका के हायर एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वथ नारायण ने अभी हमको ये जानकारी दी है कि सारे अरेंजमेंट्स अभी जगह में है, सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस है। और ऐसे ही टाइम पे इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट्स पूरे कर्नाटक में आज एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और ये इनफैक्ट बहुत क्रूशल गेटवे एग्ज़ाम बोल सकते हैं उनको, क्योंकि ये एग्ज़ाम का स्कोर बहुत कोर्सेज के लिए क्रूशियल है, इंजीनियरिंग से लेके बहुत सारे अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी। अनुया जी, जी ठीक है नेहा, शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंत्री रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऐलान कर दिया है। इस बार एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई जो है वो स्थानीय भाषा में होगी, मातृभाषा में होगी। हालांकि इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि किसी भी छात्र पर किसी भाषा को पढ़ने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी को ऐतिहासिक कदम करार दिया और इस कदम से उच्च शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। छियासी के बाद
जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्कूल एजुकेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी अनिल स्वरूप साहब भी जुड़ गए हैं। अनिल स्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए हमारे साथ इस बातचीत के लिए। सर, एक लंबे इंतजार के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मेरे विचार से ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें समय अवश्य लगा, लेकिन इसके कुछ पहलू इतने अच्छे हैं कि अगर इनका क्रियान्वयन भलीभांति हुआ तो वाकई में एक मील का पत्थर होगा। अंततः इस बात पे निर्भर करेगा कि इन जो बातें इसमें कही गई हैं पॉलिसी में उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो। पॉलिसीज बहुत आती हैं देश में, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या पॉलिसी या चिंतन की नहीं है, समस्या एक्शन की है, इम्प्लीमेंटेशन की है। जी अनिल जी, आपके हिसाब से वो कौन से चैलेंजेस हैं जो हो सकते हैं, क्योंकि कई अहम मुद्दों को यहाँ पर एक तरह से इस पॉलिसी में लाया भी गया है, फिर चाहे यू नो सीनियर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात हो या फिर स्कूल एजुकेशन की बात हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने की बात हो, क्या चैलेंजेस सर आपके हिसाब से आ सकते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि इस नीति में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जी ठीक है, अनिल जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हालांकि जैसा कि अनिल जी ने कहा कि यहाँ पर जो ये पॉलिसी आई है कई अहम बातों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और एक लंबे इंतजार के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, उनसे हम दोबारा संपर्क हमारा जुड़ गया है। अनिल जी माफ कीजिएगा, आपका संपर्क टूट गया था, बताइए सर। नहीं, मैं ये बता रहा था कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो टीचर पे फोकस आया है। मैं समझता हूँ ये फोकस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टीचर धुरी होती है शिक्षा की, और इस शिक्षा नीति में उस पर बड़ा प्रयास किया गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, और मैं समझता हूँ इस शिक्षा नीति की एक नया उन्होंने मोड़ दिया है, वो है प्री स्कूल एजुकेशन का। ये विभिन्न रिसर्च ये स्थापित करती है कि बच्चे का मस्तिष्क जो है पहले 7-8 वर्ष में बन जाता है। पूर्व में शायद ये इतना बल नहीं दिया गया था, ये शिक्षा नीति में एक नया डायरेक्शन है, अच्छा डायरेक्शन है, और उसका क्रियान्वयन यदि भलीभांति किया गया तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसमें समस्याएं कहां आ सकती हैं। मैं समझता हूं पहली समस्या इस बात पे आएगी कि नीति में तो शायद ये नहीं होता है, लेकिन जितने वित्त की, फाइनेंस की जो आवश्यकता है, क्या उसकी पूर्ति हो सकेगी? पूर्व वर्षों में अनुभव रहा है कि शिक्षा के लिए जितने वित्त यानी कि फाइनेंस की आवश्यकता होती है वो शायद उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अब इस नीति के अनुरूप यदि कार्य होगा, इसका क्रियान्वयन होगा, तो और ज्यादा वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। दूसरा, जितनी बातें इसमें कही गई हैं उस पर एक विस्तार से एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। क्या करना है, किसको करना है, कब तक करना है, कौन करेगा, ये स्पष्ट रूप से सामने आना पड़ेगा, और उसको उसका इंप्लीमेंटेशन मॉनिटर करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी पॉलिसीज आई हैं, ना केवल एजुकेशन और पॉलिसीज आई हैं, देश में समस्या इसके क्रियान्वयन की है, एंड हेंस ये आवश्यक होगा कि इस पे क्लियर कट एक्शन प्लान बना के उसे इंप्लीमेंट किया जाए। सर, एक और बात ये है यहाँ पर अहम कि जैसा कि आपने कहा कि जो जूनियर एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर फोकस किया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि मातृभाषा पर यानी कि रीजनल लैंग्वेज पर भी अब इसमें फोकस होगा। 5वीं तक के छात्रों को आप रीजनल जो लैंग्वेज में पढ़ाई है, मदर टंग में पढ़ाई है, वो कराएंगे। सर, ऐसे में यू नो वी हैव डिफरेंट स्टेट्स, कई राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं रहने के लिए, ऐसे में जो ये रीजनल लैंग्वेज वाली बात है, मदर टंग वाली बात है, ये आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? हालांकि असेसमेंट कैसे होगा ये भी देखना होगा इसमें। देखिए, इसको दो स्तर पे हमें समझना पड़ेगा। पहला होता है सैद्धांतिक स्तर पर। मेरा ये मानना है सैद्धांतिक स्तर पर ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में
किसी भी सिद्धांत को समझने में उसे आसानी होगी। ये तो हुआ सैद्धांतिक पहलू। अब हमें देखना है उसका व्यवहारिक पहलू। व्यवहारिक पहलू में इसमें समस्याएं आएंगी, कई समस्याएं आएंगी। एक तो मार्केट की डिमांड जो है आज की तारीख में भी, वो हम चाहे ना चाहे, लेकिन है अंग्रेजी की। आप देखेंगे गांव में, अगर कहीं बिहार यूपी में जाइए आप, तो वहां उसमें चाहे वो अंग्रेजी पढ़ा रहा हो ना पढ़ा रहा हो, वो कॉन्वेंट स्कूल लिखता है और ये बताना चाहता है कि वो अंग्रेजी सिखा रहा है लोगों को। ये उचित नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक है जो हो रहा है आज की तारीख में। हमें एक सामंजस्य इसमें बैठालना पड़ेगा, जहां एक और ये आवश्यक है कि हम उसको स्थानीय भाषा में, क्योंकि उसको जो बोध होता है, जो समझ होती है बच्चे की, वो अपनी मातृभाषा में अधिक होती है। ये भी रिसर्च से स्थापित है। तो यदि उसको सिद्धांतों को समझना है और उसको बेसिक्स को समझना है, तो उसकी मातृभाषा उसके लिए उपयोगी होगी। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि हम उसको दूसरी भाषाओं में भी, जिनकी उपयोगिता उपादेयता मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी पढ़ाना, ये कठिन कार्य है। इसके लिए विस्तार से इनको सोचना पड़ेगा आगे और कैसे इसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि जो टीचर है, जो स्थानीय टीचर है, वो भी शायद जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि चैलेंजेस यहाँ पर बहुत सारे आने वाले हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं अगर पढ़ाई जाएंगी तो कैसे उसको पूरी ही तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, या यूँ कहे कि आपने कहा कि बेस स्ट्रांग बनाना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी पर इस शिक्षा नीति में ध्यान भी दिया गया है। जी अनिल जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस नहीं है, फोकस हायर एजुकेशन पर भी है। अनिल जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। तो मैं ये बता रहा था कि हमें इसका व्यवहारिक पहलू देखना पड़ेगा कि हम जिस भाषा में बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे, क्या उसकी उपयोगिता बाद में होगी नहीं होगी। ये कठिन कार्य होगा और इसके लिए भी अतिरिक्त वित्त की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षक हैं उपलब्ध, उनको शायद वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि दो भाषा में वो पढ़ा सके। इसके लिए अतिरिक्त टीचर लगाने पड़ेंगे। अब समस्या ये है कि वर्तमान स्तर में भी उतने शिक्षक जितनी आवश्यकता हो उपलब्ध नहीं है, अतिरिक्त शिक्षक कहां से आएंगे। तो जहां तक ये आइडियली आवश्यक है कि उसको स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकली इसके इंप्लीमेंटेशन में अनेक समस्याएं आएंगी जिन पे विचार करना आवश्यक होगा। जी जी सर, हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ अगर बढ़ूं तो कल की पॉलिसी के बाद हर पेरेंट आज ये समझना चाहता है कि मेरा बच्चा 11वीं का बोर्ड देगा या नहीं देगा, कैसे ये 8+3 5+3 का जो गणित लगाया गया है, इसे अगर आप सरल भाषा में समझा सके सर। देखिए मुझे इसमें थोड़ी सी कठिनाई इसलिए है कि वर्तमान व्यवस्था में भी जो 10वीं और 12वीं की कक्षा के एग्जाम्स होते हैं, कोई भी बोर्ड करता है, स्टेट बोर्ड करता है या CBSE करता है, उसमें ही कई समस्याएं आती हैं। अब इस नीति में व्यवस्था की गई है कि कक्षा 5 में भी, कक्षा 8 में भी, कक्षा 10 में भी, कक्षा 12 में भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। इसके अगेन आइडियली ये सही है, सैद्धांतिक रूप से शायद ये सही प्रतीत होता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में विशेष रूप से कठिनाइयां आएंगी कि आप कक्षा 5-8 का अतिरिक्त बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से करेंगे। बोर्ड, वर्तमान के जो बोर्ड हैं वो वैसे ही बर्डन्ड हैं कक्षा 10 और 12 के लिए। और दूसरा, इसकी उपायदेयता भी मुझे बहुत नहीं समझ में आ रही है। वैसे तो पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ पहलू इसके बहुत स्पष्ट नहीं है कि उसकी उपयोगिता क्या होगी। अगर आप एक नेशनल असेसमेंट कर रहे हैं, जिसकी एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस पॉलिसी में की गई है कि अलग एक एजेंसी स्थापित की जाएगी जो नेशनल लेवल पे असेसमेंट करेगी बच्चों का, उनकी कॉम्पिटेंसीज का, तो अगर आप कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट अलग से कर रहे हैं तो बोर्ड का एग्जाम की उपयोगिता कक्षा 5 में और 8 में क्या होगी, इसका मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मेरा यह मानना है ये अनावश्यक रूप से एक अतिरिक्त भार रहेगा बोर्ड्स पर। इसके बजाय अगर वो 10 और 12 की परीक्षा को और परिष्कृत करें और इम्प्रूव करें तो वो उचित होगा। ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये पूरा का पूरा गणित समझाने के लिए। हालांकि अब और क्लैरिटी इस पर धीरे धीरे आ जाए।